यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज चल रहा है 4.3 यानी द्विघात समीकरण टॉपिक से, और उसकी एक्सरसाइज है 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है, तो ये है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए गए अंकों का योग 30 है। अंकों का योग 30 है यदि उसको गणित में दो अंक अधिक मिले दो अंक अधिक और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा प्राप्त दोनों विषयों के अंक ज्ञात करना है। अंक ज्ञात करना, ठीक है, यानी कि प्राप्त अंक ज्ञात करने हैं कि दोनों विषय में उसने कितने कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन है, क्लास का कोई टेस्ट हुआ, शेफाली कोई लड़की है, शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, तो जो अंक हैं वो कितने हैं, अंकों का योग 30 है, गणित में और अंग्रेजी में मिलकर 30 अंक प्राप्त किए। यदि गणित में दो ज़्यादा मिलते, दो अधिक मिलते और अंग्रेजी में तीन कम मिलते तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। तो उससे टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कर रहे हैं। तो आंसर में सॉल्यूशन में मान लेते हैं, माना गणित में प्राप्त अंक हैं एक्स और अंग्रेजी में प्राप्त अंक हैं वाई। गणित में प्राप्त अंक एक्स और अंग्रेजी में प्राप्त अंक वाई। ठीक है, तो अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए हैं वो 22। अंकों का योग यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर है 30, समीकरण नंबर 1। अंकों का योग एक्स प्लस वाई बराबर 30। आगे कहा है, गणित में दो अधिक मिलते यानी ये दो ज़्यादा मिल गए, और अंग्रेजी में अगर तीन कम मिलते, y में से तीन घटा देते हैं तो उनका गुणनफल 210 हो जाता। ये समीकरण नंबर 2। ये तो पहली शर्त थी, ठीक है, पहली शर्त ये थी अंकों का योग। दूसरी शर्त है, गणित में दो अधिक मिल जाते यानी x है, x प्लस 2 हो जाए, अंग्रेजी में तीन कम हो जाए यानी कि जो y थे y में से तीन घटा दें तो उनका गुणनफल 210 हो जाता। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे या इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। दो शर्तों के हिसाब से अब हमको x और y का मान ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण बन जाएगी। सवाल हटा देते हैं, ठीक है, x और y निकालना है दो समीकरणों से। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 30, दूसरी है x प्लस वाई इंटू वाई माइनस 3 बराबर 210। तो समीकरण 1 से या 2 से या तो गुणा करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको प्रतिस्थापित कर देता हूँ, जैसे कि y बराबर 30 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 में था x प्लस वाई बराबर 30, तो वहाँ से y का मान हमने यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 2 है x प्लस 2 एंड y का मान y माइनस 3, y की जगह 30 माइनस एक्स रख देते हैं, माइनस 30 बराबर 210। तो ये हो जाएगी x प्लस 2 और ये होगा 27 माइनस एक्स बराबर 210। मल्टीप्लाइंग कर देते हैं x की यहाँ से 27 से 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 54 माइनस का 2x बराबर 210। ठीक है, 27 में 2 घटाएंगे 25x माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 54 बराबर 210। तो ये कोई समीकरण बन जाएगी, एक समीकरण बचाए रखो, यह समीकरण एक ही है, ठीक है। एक्स का जो मान आएगा वो किसी समीकरण में पुट कर देना है, एक में या दो में, और उसके बाद हम वाई का मान निकाल लेंगे। सेपरेट कर लेते हैं, एक साइड में कर लेते हैं। मान लिया हमने इधर जीरो कर दिया, ये सब इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, 25x माइनस में आएगा, 54 भी माइनस में आएगा, और 210 वहाँ पहले से है। तो 0x² माइनस 25x प्लस 210 में से 54 घटा देते हैं। 210 में से 54 घटाएंगे, 10 में 4 गया 6, और यहाँ बचेगा 23, 20 में 5 गया 5, ठीक है। 20 में से 5 घटाएंगे, 15 बचता है 156। 156 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 25 हो, 156 के टुकड़े अगर हम करते हैं, 156 को 3 से अगर काटेंगे, 3 × 15 = 52, 3 × 6 = 15, और 13 × 52, ठीक है। और जिनका योग 25 हो, 13 ये हो गया, और 3 × 12 इक्वल टू, यानी 13 × 12, 13 और 12 हो गए, 13 में अगर हम 12 जोड़ते हैं, देखो मैंने फैक्टर यहीं पे किए हैं, 13 और 12 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ओके। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह 13 प्लस 12 रख देते हैं इंटू एक्स प्लस 156, ठीक है। यहाँ से हम आसानी से मान निकाल सकते हैं, देखिएगा आगे समीकरण में जो वैल्यूज है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस 156 बराबर 0, ये फैक्टराइज कर देते हैं, x का मान निकल पाएगा। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो होगा x माइनस का 13, 12 कॉमन लिया x माइनस का 13 बराबर 0, x माइनस का 13 कॉमन लिया x माइनस का 12 बराबर 0, यदि x माइनस का 13 बराबर 0 x बराबर 13, एंड यदि x माइनस का 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। x के दो मान आ जाते हैं, x बराबर 12 और 13। तो यहाँ पे अगर हम x का मान 13 लेते हैं तो यहाँ रख देते हैं x बराबर 13, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा हमारा 30 − 13, कितना होगा 10 × 3 = 7, 17, यानी x का मान 13 तो y का मान 17, ठीक है। x का मान 13 तो y का मान 17। दूसरा मान है x बराबर 12, अगर x बराबर हम 12 रख देते हैं यहाँ पर, x प्लस का y बराबर 30 है, 12 रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा 30 − 12 यानी कि 18। तो x बराबर 12 एंड y बराबर 18। तो इस तरह से ये दो संख्याएं हमारे पॉसिबल हैं, यानी कि दो संख्याएं इस प्रकार आ सकती हैं।